हेलो फ्रेंड्स, सभी इंस्ट्रक्टर साथियों के लिए एक न्यू अपडेट निकल के आ रही है राजस्थान इंस्ट्रक्टर की तरफ से, जो कि राजस्थान इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती आई थी उसने एग्जाम डेट को जारी कर दिया गया है। आरएसएसबी की तरफ से, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है अनुदेशक भर्ती का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया। अभी किन ट्रेडों का जारी किया गया है तो यह देख सकते हैं, ऑफिशियल पेज पे है अभी हम लोग, और यहाँ से आरएससी का और फिटर और इलेक्ट्रीशियन, आरएससी फिटर और इलेक्ट्रीशियन का जो है एग्जाम डेट जारी कर दिया गया। एग्जाम शेड्यूल तो जारी किया ही गया था, लेकिन उम्मीद था कि पता नहीं एग्जाम कब हो या टाइम से होगा नहीं या फिर देरी होगा, लेकिन ये सभी आपका एग्जाम जो है डेट में हल्का सा चेंज है एक दो दिन का, लेकिन एग्जाम उसी टाइम पे हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। या फिर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएंगे। फिटर के लिए आप टेस्ट देना चाहते हैं, फिटर टेस्ट का राजस्थान इंस्ट्रक्टर के लिए, तो मात्र आप ₹100 में 99 में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं राजस्थान इंस्ट्रक्टर के लिए। इसके लिए आपको फिटर टॉपिक स्टडी आपको जाके सर्च करना है प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना है, और वहाँ से आप जो है टेस्ट दे सकते हैं राजस्थान अनुदेशक का। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं इसको। यह हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है, नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। कब का है ये देख सकते हैं, यहाँ से 30/5/24 का है ये नोटिस, आज ही का है। और यहाँ से देखिए, इस एग्जाम में कंप्यूटर कम पेपर होने जा रहा है, मतलब कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें एग्जाम होगा। और ऑप्शन आपके 5,000, ऑप्शन में भी बहुत कुछ है आपको चेंजेस, आप ध्यान से देखते जाइए। केवल डेट ही मेन नहीं है, डेट मेन नहीं है और बहुत भी कुछ भी मेन है। आरएससी का एग्जाम जो है वो 27/6 को है, एक शिफ्ट में हो रहा है, 27/6 को एक शिफ्ट में हो रहा है। वही अगर फीटर वालों का बात करें तो फीटर का जो है 29/6 को दो शिफ्टों में हो रहा है। कितने शिफ्टों में हो रहा है? दो शिफ्ट में, 2 घंटे का पेपर है। कम CBT कम OMR, मतलब कि CBT में आपको क्वेश्चन रहेगा और OMR में आपको आंसर करना रहेगा। CBT में क्या रहेगा? आपको क्वेश्चन रहेगा, OMR में आपको आंसर करना रहेगा। वही हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की, तो यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का कब है, 30/6/24 को इसका भी दो शिफ्ट में हो रहा है। फिटर को 29 को, इलेक्ट्रीशियन को 30 का पेपर है। 30 को अब यहाँ से समझ लेते हैं कि कंप्यूटर कम OMR का मतलब क्या है, अर्थात कंप्यूटर पर दिखाई, यहाँ देखिए प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर दिखाई देगा और उत्तर चयन हेतु ऑफलाइन OMR शीट का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन आपको कंप्यूटर पर दिखेगा और आपको आंसर जो भी करना है तो OMR उसमें भी है, आपको आंसर करना ही करना है। अगर आप आंसर नहीं करते, यहाँ से पढ़िएगा, अब देखिए 35 है परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न क्या है, 5 विकल्प होंगे गोले में दिए जाएंगे, प्रत्येक 4 विकल्प ABCD उपयुक्त उत्तर से संबंधित है तथा 5वां विकल्प ई अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। तो ई क्या है तो इसको जान लेते हैं। ई आपका कह रहा है कि अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्र पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट कर 4 गोले दिए जाएंगे, 4 में से ब्लैक या ब्लू से भरना होगा। कोई अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे 5वां विकल्प गहरा करना होगा। आपको 5 विकल्प मिलते हैं, 4 तो आपके प्रश्न के आंसर होंगे, 5वां विकल्प आपको आंसर नहीं रहेगा। ये अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो इसको भी आपको कलर करना रहेगा। तो आप कहिएगा कि ये जरूरी है कलर करना, हाँ तो ये कलर करना जरूरी है। अगर आप कलर नहीं करते हैं तो यहाँ देखिए, यदि 5वें विकल्प में से कोई भी, 5ों में से आप कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न का 1/3 भाग काट लिया जाएगा, उस प्रश्न का 1/3 भाग जो है काट लिया जाएगा, 1/3 भाग काट लिया जाएगा। 6 नंबर का है, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प में या गोले में अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया है तो उसे परीक्षण के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। 10% से अधिक क्वेश्चन को आपने गहरा नहीं किया है, कलर नहीं किया है तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। 7वां का है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को
10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा कि आपने बोला किसी को भरा या फिर नहीं भरा, इसके लिए आपको 10 मेन यही समझना है कि आपको 5 विकल्प मिलेंगे। क्या मिलेगा आपको? 5 ऑप्शन मिलेगा, 4 जो है प्रश्न का उत्तर रहेगा। आपको प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है तो आपको 5वां नंबर को कलर करना होगा, ठीक है। आपको पता है इसमें निगेटिव भी है, तो अगर आप चाहे निगेटिव नहीं करें जानते हैं तो आपको 5वां नंबर करना पड़ेगा। आगे कुछ अपडेट नहीं है, बस यही बताया गया है। PDF आपको हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप से मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।